कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। ऐसे में पहले राहुल गांधी पहुंच रहे हैं अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए। पूर्व पीएम राजीव गांधी मेमोरियल पहुंच रहे हैं और यहां पर वो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मेमोरियल पर राजीव गांधी को नमन उन्होंने किया और जो तमाम उनके समर्थक हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी उनके साथ इस वक्त यहां मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा 3570 किलोमीटर की रहेगी। ये पूरी यात्रा पूरे सफर को तय करेगी और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा का आज से आगाज होने जा रहा है। बता दें कि 1991 में यही हुई थी राजीव गांधी की हत्या, उनका असैसिनेशन यहीं पर हुआ था। शाम 5 बजे कन्याकुमारी से आगाज होगा। यहां नमन करने के बाद चेन्नई पहुंचेंगे राहुल गांधी और उसके बाद वो कन्याकुमारी का रुख करेंगे। शाम 5 बजे आगाज हो जाएगा भारत जोड़ो यात्रा का। तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री परमबदूर की। 1991 में यहीं पर राजीव गांधी की हत्या हुई थी, वहीं पर उनकी याद में मेमोरियल बनाया गया है और राहुल गांधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब से कुछ सेकंड्स पहले ही वहां पर मौजूद थे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, अपने पिता को। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी मौजूद हैं तमाम नेताओं के साथ इस वक्त और बहुत अहम तस्वीरें हो जाती हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है कांग्रेस पार्टी। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने, तलाशने की कोशिश में इस यात्रा को शुरुआत करने वाली है। 3500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी ये पदयात्रा होगी और इसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग कांग्रेस के नेता इस यात्रा में जुड़ेंगे और ऐसे में शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मेमोरियल पर जाकर उनको श्रद्धांजलि देकर राहुल गांधी ने की है। कल शाम ही चेन्नई वो पहुंच गए थे। बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है कांग्रेस पार्टी के लिए क्योंकि कांग्रेस की लगातार कोशिश ये है कि जल्द से जल्द किसी न किसी तरीके से अपनी राजनीतिक ज़मीन को और मजबूत किया जाए, खोई हुई राजनीतिक ज़मीन को तलाशा जाए। ऐसे में ये तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। श्री परमबदूर से आशीष और कन्याकुमारी से संवाददाता जैनेन्द्र कुमार दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण आ रही हैं श्री परमबदूर से, पहले मैं आशीष का रुख करूँगा। आशीष, तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं राजनीति में। एक तरफ आज शाम बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण यात्रा जो कांग्रेस पार्टी के लिए है वो शुरू करने वाले हैं, राहुल गांधी हरी झंडी दिखाएंगे, और सुबह की ये तस्वीरें, ऑप्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण होती है राजनीति में, कैसे इन संदेशों को देखें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, तस्वीरें राजनीतिक में, ऑप्टिक्स राजनीति में बहुत महत्व रखता है और राहुल गांधी का यहाँ पर आकर अपने पिता की श्रद्धांजलि को श्रद्धांजलि देना, शांति पाठ में शामिल होना, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा को की शुरुआत करना काफ़ी सांकेतिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा 2024 को साधना चाहती है, 2024 के लोकसभा चुनावों को साधना चाहती है। चुनाव इस यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हो रही है। कन्याकुमारी का भी कांग्रेस पार्टी के इतिहास में काफ़ी महत्व रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा और ये यहाँ पर राहुल गांधी का पहली बार आना, यहाँ पर आकर अपने पिता को श्रद्धांजलि देना। श्री परमबदूर में, श्री परमबदूर छोटा सा कस्बा है, करीब 50 किलोमीटर दूर चेन्नई से, बैंगलोर हाईवे पे, चेन्नई बैंगलोर हाईवे पे स्थित है। यहाँ पर आकर कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठना, शांति पाठ में भाग लेना, ये बहुत बड़ा एक मैसेजिंग है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी। और भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत है उससे पहले कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश है कि गांधी परिवार ने इस देश के लिए काफ़ी बड़े बड़े जो हैं कुर्बानियां दी हैं, जिसका राहुल गांधी हमेशा जिक्र करते रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस यहाँ पर आना, श्रद्धांजलि देना भी उस तरफ राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का इशारा करता है। जी आशीष, आप रहे हमारे साथ और देखिए यात्रा शुरू होने वाली है कन्याकुमारी से। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो श्री परमबदूर से देख रहे हैं। चेन्नई से करीब 50 किलोमीटर दूर है श्री परमबदूर, जहां पर राजीव गांधी की हत्या हुई थी, वहां पर मेमोरियल बना हुआ है और वहीं पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं। और कन्याकुमारी जहाँ से यात्रा शुरू होगी वहां से हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार भी जुड़ गए हैं। जैनेन्द्र, आशीष को भी आप सुन रहे होंगे, बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत आज करने वाली है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी खुद हरी झंडी दिखाएंगे, एक तरीके से खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में ये यात्रा शुरू कर रही है कांग्रेस पार्टी। तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वही सवाल है मेरा, क्योंकि जो रणनीतिकार हैं कांग्रेस को, उन्होंने बहुत सोच समझकर ये रणनीति बनाई होगी, इसके जरिए संदेश क्या देने की कोशिश। बिल्कुल आदर्श, तस्वीरें इसलिए ज्यादा अहम हैं क्योंकि राहुल गांधी पहली बार उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर कि बम धमाके
में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी 1991 में। उस समय राहुल गांधी 21 साल के थे और ये उनके जीवन का दूसरा बड़ा झटका था। उससे पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी गई थी। ये एक हैरानी की बात है कि अब तक राहुल गांधी श्री पेरम्बदूर नहीं गए थे, लेकिन आज जब उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा, 3500 किलोमीटर पैदल नापेंगे राहुल गांधी। आपने हरी झंडी दिखाने की बात की, हरी झंडी नहीं दिखाएंगे, राहुल गांधी खुद तिरंगा झंडा लेकर कन्याकुमारी से कूच करेंगे कश्मीर तक। 3500 किलोमीटर की यात्रा आदर्श पैदल, 150 दिनों तक यह यात्रा चलने वाली है। बेहद अहम है यह यात्रा राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए और कांग्रेस के नजरिए से, क्योंकि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, राज्य दर राज्य जो है वो हार रही है और कहीं ना कहीं इतिहास में सबसे कमजोर स्थिति में कांग्रेस आज पहुंच गई है और उसी को पुनर्जीवित करने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक नई जान फूंकने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाल रही है कांग्रेस पार्टी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। कन्याकुमारी में हम मौजूद हैं आदर्श, और कन्याकुमारी में उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं का देखते बनता है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये गांधी मंडपम की तस्वीर है, यहाँ पर गांधी जी की अस्थियां रखी हुई हैं और श्री पेरम्बदूर से राहुल गांधी जब कन्याकुमारी पहुंचेंगे शाम 3 बजे के आसपास, तो 3 बजे से यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा। ये गांधी मंडपम है, यहाँ पर गांधी जी की अस्थियां रखी हुई हैं। इसके ठीक बगल में श्री वल्लुवर जो महान कवि रहे हैं यहाँ से उनका स्मारक है और साथ ही साथ विवेकानंद स्मारक है और के कामराज जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका स्मारक है। तो इन स्मारकों पर भी राहुल गांधी को आना है, लेकिन दिन की शुरुआत वो अपने पिता राजीव गांधी के स्मारक से कर रहे हैं। पिता का शायद आशीर्वाद ले रहे हैं और वहां पर राहुल गांधी जो प्रार्थना में भी भाग लेंगे। पीछे मेरे समुद्र का नजारा है, भारत माता की एक छोटी सी मूर्ति आपको तस्वीरों में हम दिखा सकते हैं। तो ये कन्याकुमारी में उस जगह की तस्वीर है जहां से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने वाले हैं। आज यहां पर सुबह वो श्री पेरम्बदूर में इस वक्त है जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने पिता के स्मारक पर। वहां से दोपहर वो कन्याकुमारी पहुंचेंगे और यहां पर 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि श्री वल्लुवर, कामराज, महात्मा गांधी और विवेकानंद के स्मारकों पर वो जाएंगे और इसके बाद यहीं पर बगल में जैसा आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये समुद्र का किनारा है, ये बीच रोड है। प्रवीण जी जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से तिरंगा झंडा जो है वो जहां तक नजर डाले वहां तक नजर आ रहा है। ये बीच रोड है आदर्श, और यहीं इसी बीच रोड पर जहां मौजूद है, यहां से कुछ दूर पर यानी तकरीबन 1 किलोमीटर मेरे पीछे वो जगह है जहां पर की सभा होगी और उस सभा के जरिए आगाज होगा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की। एक छोटी सी औपचारिक यात्रा आज भी होगी 1 किलोमीटर की, लेकिन मुख्य रूप से यात्रा जो है वो कल सुबह से शुरू होगी। 8 तारीख से सुबह 7 बजे से यात्रा शुरू होगी। रोज तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर राहुल गांधी और उनके साथ लगभग 500 कांग्रेस के कार्यकर्ता, अन्य सामाजिक कार्यकर्ता चलेंगे। इनमें से 100 ऐसे हैं जो कि परमानेंट रहने वाले राहुल गांधी के साथ अगले 150 दिनों तक, 3500 किलोमीटर जो साथ में चलेंगे। और इसके अलावा दो और कैटेगरी है जो अलग अलग राज्यों, जिस राज्य से यात्रा गुजरेगी उस राज्य के पार्टी कार्यकर्ता, इसके अलावा दूसरे राज्यों के भी अतिथि कार्यकर्ता जुड़ेंगे। ये लोग टैंकर में रहेंगे, रात जो गुजरेगी इन यात्रियों की, खुद राहुल गांधी की, वो टैंकर में गुजरेगी। तो बड़ी भव्य तैयारी है, काफी कुछ सोच करके इसको प्लान किया गया है। 12 राज्यों से होकर और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये यात्रा गुजरेगी और यात्रा का भारतीय राजनीति में बड़ा महत्व है। और शायद कांग्रेस को भी लगा कि अब यात्रा के जरिए ही नया जीवन जो है वो पार्टी को मिल पाएगा, नई ऊर्जा आ पाएगी और इसीलिए आज शाम को कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा शुरू होगी। तस्वीरें जरा प्रवीण जी दिखाइए किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर सुबह से ही जमा हो गए हैं, कैसा उत्साह है? देखिए उत्साह बहुत जबरदस्त है। ये राहुल गांधी की विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा, आप देख रहे पूरे भारत के झंडे हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस के झंडे मत लाओ, भारत को इकट्ठा करने की बात है, भारत इकट्ठा करना बहुत। इस वक्त राहुल गांधी श्री पेरम्बदूर में है राजीव जी के स्मारक पर, आपने राजीव गांधी के साथ काम भी किया है, कैसे आप देखते हैं कि राहुल गांधी पहली बार आज श्री पेरम्बदूर पहुंचे उस जगह पर जहां पर की राजीव जी की हत्या हुई? देखिए राहुल गांधी जी को पता लग गया है कि राजीव गांधी की भी सोच ये थी, इंदिरा जी की सोच ये थी भारत को एक मंच पर लाना है, आज वही जरूरत फिर पड़ गया, भारत को इकट्ठा लाना बहुत जरूरी है। हमने पार्टी का झंडा ना लगा के देश का झंडा लगाया। कहाँ से आप लोग, कहाँ से आए हैं? कहाँ? छत्तीसगढ़ से, पीसीसी प्रेसिडेंट, खुद अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास। कैसी तैयारी तो खूब दिख रही है, क्या क्या तैयारी आज शाम? देखिए आज देख सकते हैं तमाम ऐसे पूरा देश से, कश्मीर से, कन्याकुमारी से लोग आए हैं। छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष, पूरे देश की कांग्रेस की नजर आज राहुल गांधी के इस आगाज पर है, इस यात्रा की शुरुआत पर है। क्या लगता है, क्या कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस ला पाएगी, समेट पाएगी इस यात्रा? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में ये भारत को जोड़ने का दोबारा
जो किस तरीके के जो बीजेपी शासन में किस तरीके का तोड़ने का नफरत का जो इन लोग का बात करते हैं, भारत जोड़ने के लिए तमाम ऐसे कार्यकर्ता तमाम लोग ने इतने लोग ने लाखों लोग ने इसमें वेबसाइट में रजिस्टर किया है, वो सारे लोग मिलके देश को बचाने का काम करना है। राहुल जी आज पहुंच चुका है, उनके पिता का समाधि में जाके आशीर्वाद ले रहा है, आशीर्वाद लेके इधर आएगा, आज सभा होगी, कल सुबह से यात्रा स्टार्ट होगा। तो एक बड़े संकल्प के लिए तैयार हैं आप लोग, क्या मन में कोई किसी प्रकार का ये नहीं संशय तो नहीं है कि 150 दिन और कश्मीर से कन्याकुमारी कहना बड़ा आसान है लेकिन पैदल 3500 किलोमीटर चलना बड़ा मुश्किल, मन में क्या संशय है कि मौसम कैसा होगा? अभी भी हम देख रहे हैं मौसम खराब है, मुश्किलें आएंगी, कैसे कर पाएंगे? कांग्रेस का कार्यकर्ता इस देश को बचाने के लिए 500 दिन 1000 दिन भी तैयार है, संविधान को बचाना, देश को बचाने के लिए। ठीक है, तो एक नया कार्यक्रम है और बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा संकल्प है, जोश है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस कह रही है कि जो बीजेपी केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियां हैं, चाहे वो आर्थिक नीतियां हों या फिर जो राजनीतिक नीतियां हों, और समाज में एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल तो महसूस हर कोई कर रहा है, तो इस वजह से भारत की एकता पर खतरा है और इसी को जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले हैं और कांग्रेस को उम्मीद है कि इस यात्रा से भारत जोड़ो के संदेश से कांग्रेस का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचेगा और लोग एक बार फिर कांग्रेस में भरोसा दिखाएंगे। एक बात और आदर्श, अहम बात आज के कार्यक्रम में एक ये भी है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जो कि यूपीए में शामिल जिनकी पार्टी रही है और कांग्रेस भी तमिलनाडु की स्टालिन सरकार में शामिल है, मुख्यमंत्री स्टालिन भी आज दोपहर यहां पर मौजूद रहेंगे जब राहुल गांधी यहां गांधी मंडपम पहुंचेंगे, वहां पर गांधी जी के स्मारक को स्मारक पर गांधी जी को नमन करने के लिए, और वहां पर स्टालिन उन्हें तिरंगा सौंपेंगे और फिर एक सभा होगी और ये यात्रा एक औपचारिक तौर पर आज शुरू होगी और मुख्य तौर पर जो है वो कल सुबह से शुरू होगी। जी आदर्श, ठीक है, जनेंद्र आप रहे हैं हमारे साथ, आशीष भी लगातार श्री परमदूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, बहुत अहम बात बताई इस वक्त जनेंद्र ने कि स्टालिन भी खुद मौजूद रहेंगे कन्याकुमारी में, वो तिरंगा सौंपेंगे राहुल गांधी को, इस इक्वेशन को किस तरीके से देखें? हालांकि यूपीए की बात करें तो सब साथ में रहे हैं और कांग्रेस के लिए उतनी महत्वपूर्ण यात्रा है, तो क्या धीरे धीरे करके यूपीए के तमाम दल भी इसमें जुड़ते जाएंगे, कुछ इसको लेकर के भी अपडेट? देखिए, दक्षिण भारत की अगर राजनीति की बात करें और एक पक्के साथी की बात करें, कांग्रेस पार्टी के एक पक्के साथी की बात करें, तो डीएमके हमेशा से पूरे स्ट्रांगली कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी रही है और आज डीएमके के बड़े नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री खुद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना, खुद उनको तिरंगा सौंपना और उस तिरंगे को लेकर राहुल गांधी का पूरे देशव्यापी यात्रा पर निकलना, यह बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत भी है। डीएमके याद रखिए हमेशा से कांग्रेस के साथ रही है, डीएमके को अगर हम दक्षिण की पॉलिटिक्स बात करें तो जाहिर सी बात है बड़ा राजनीतिक संकेत है जिस तरह से आशीष आप बता रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी, इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।